जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इज शुएब खान एंड वेलकम टू द क्विक अपडेट ऑफ द मार्केट। इज 11th of June 2024 और आज डिस्कस करते हैं कि क्या सिचुएशन BTC की चल रही है, कब रिकवरी आने वाली है, क्या मामलाते हैं। सो बिफोर वी डू एंड वाल आई डू दैट, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। तो भाई BTC में हमारे पास लास्ट अपडेट के मुताबिक एग्जैक्टली वहाँ से शॉर्ट स्क्वीज़ हमारे पास आया है। ठीक है, हम इधर रेंज आउट कर रहे थे फ्राइडे को, लाइक क्लोजर्स के टाइम पे हमारे पास एक ड्रॉप था, फिर सैटरडे संडे बिल्कुल ही वेस्ट गुजरा, मंडे को एक हमने शॉर्ट स्क्वीज़ किया एंड देन उसके बाद से डाउनफॉल ही चलता हुआ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब अगर इससे दो चीज़ें जो है निकल रही हैं यहाँ पे, बाय द वे ये लिक्विडिटी बिल्डअप मैंने मेंटोरिंग लॉन्च में दिया था, ये पूरा हो चुका है जब हम लोग यहाँ कहीं खड़े हुए थे। सो इट्स ऑलरेडी डन हेयर, सो आई एम गोना रिमूव दिस वन। ठीक है, ये बाय द वे मैंने ट्वीट भी करी थी अभी। हो इसलिए रहा ये कि अब USDT डोमिनेंस आपकी थोड़ा जो है रिकवर कर रही है यहाँ पे। अगर इसके डेली के चार्ट पे जाके देखें तो ये अपनी इस जगह पे जो एक इसका ट्रिपल टैप सेटअप कह लें वो पूरा होने के बाद अब ये रेंज की तरफ जा रहा है। तो अभी जो क्लोजेस इसके रेजिस्टेंस है वो है 4.77 पे। ठीक है, अब BTC यहाँ गिर रहा है लेकिन आर्ट्स अभी इतना प्रोग्रेसिवली गिर नहीं रहे कि जैसे उस दिन हुआ था जब हम यहाँ से हमने ड्रॉप किया था। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास इफ़ यू कैन सी 3.9% आज BTC गिरा है, लेकिन आल्ट कॉइन्स जो है लमसम में आपके 1 या 2 या हद में 3% जाके जो है वो थोड़ा बहुत गिर रहे हैं ऑन एवरेज। ऐसा इसलिए है क्योंकि साथ के साथ BTC डोमिनेंस भी गिर रही है आपकी। ठीक है, तो BTC वहाँ जाके गिरता है और डोमिनेंस भी आपके नीचे की तरफ आती है तो आल्ट कॉइन्स ठीक ठाक आपका रिकवर कर लेंगे। कल होपफुली जो है आप थोड़ा डे जो है ग्रीनरी में यहाँ पर देख लेंगे। तो दैट्स वॉज हैपनिंग हेयर। ठीक है, और इथेरियम में कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि DCA करना है, क्या सिचुएशन है, क्या मामला है। तो भाई अगर कोई स्टक है इथेरियम में तो याद रखें जो पहली सपोर्ट है वो इंटरनल लिक्विडिटी जो प्रीवियस वाली थी वो है इसकी यहाँ पे, विच इज़ एट 3358। ठीक है, सो बी अवेयर ऑफ दैट। इस जोन में जाके लॉन्ग करने की अभी फ़िलहाल कोशिश ना कीजिएगा, लेट्स वेट फॉर दैट। ये बिल्कुल हवा में इधर खड़ा हुआ है जहाँ पे इसको विक मार सकता है एट 3358 डॉलर्स पे। ठीक है, आई एम गोना सेट एन अलार्म हियर, दिस सर्व्स आल्सो एज अ रीटेस्टिंग लेवल, बट फिलहाल उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे स्टक अप हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद फॉरेक्स पे बात कर लेते हैं। फ्राइडे में ठीक ठाक क्लोजर जब हमने किया था तो ड्रॉप हमें मिला था जो गोल्ड था हमारा, दूसरे मामला जो थे उसके बाद ये के कल का दिन थोड़ा साइडवेज चला है, इतना मज़े का नहीं था। खैर गोल्ड में भी यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोफाइल इसने भी यहाँ पे छोड़ी हुई है, वी हैड अवर लॉन्ग देयर। ठीक है, उसके बाद आज रेंज ही कर रहा है। तो हमारे पास ये हाइज़ हैं और ये लोज़ हैं और इत्तेफाक से जो मंडे हाइज़ हैं लोज़ हैं यही आपके BOS का काम कर रहे हैं। अगर बुलिश होगा इसको पर स्टेबल करता है, विल गुना गो अप। रेंज अगर यहाँ पे 0.5 पूरी करने के बाद ही डिप्लीट करता है तो ये के लिक्विडिटी प्रोफाइल की तरफ आना है और ये के मामला इसका वहाँ पे ख़त्म होगा। सो दैट्स वॉट्स हैपनिंग हियर। ठीक है, बहुत कम ऐसा होता है लेकिन ये के सिंप्लीफाई करने के उस पर हमारे पास मंडे हाइज़ एंड मंडे लोज़ ही जो हैं हमारे वो एज़ BOS इधर काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पाउंड पे हम आ जाते हैं। रीटेस्टिंग लेवल ये ऑल दो के हम इसे प्ले आउट कर चुके हैं दो बार, ये 24th of May का था, ये यहाँ पे आया था, हमने इसको यहाँ मेंट कर लिया था, फिर ये वापस आया था मेंट कर लिया था, उसके बाद दो तीन सेटअप यहाँ भी हमने वो देख लिए थे। लेकिन वही उंगली तोड़ने वाली बात के प्राइस वाइज जो है अभी उसने यहाँ पे आके क्लिक नहीं किया है। सो आई एम स्टिल यू नो कीपिंग माई आई ऑन दैट, लेकिन एक ज़रा ख्याल रखिएगा क्योंकि हमारे पास प्लेथरा ऑफ न्यूज़ आने वाली है अब कल से, जिसमें इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मंथ टू मंथ है और FOMC वगैरह भी है, सारी वो चीज़ें हैं। तो बी अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, कल ये सारी वो चीज़ें होने वाली है, सो सिचुएशन उसकी क्या बनेगी उस हवाले से देखा जाएगा। लेकिन अभी तक जो ये लग रहा है वो ये है मामला कि अगर हमने यहीं सस्टेन किया तो डॉलर के लिए ये चीज़ थोड़ी बेयरिश होगी कल न्यूज़ को लेकर। ठीक है, तो वी माइट फिल अप दिस गैप ऑल्सो अगर हम आज के टाइम पर नहीं कर सकते इसको, और ये कि वहाँ पर फिर रिकवरी कॉइन्स वगैरह को जो इसके पर्टिकुलर यू नो एसेट्स हैं उसके साथ के वो उधर उस जगह पर रिकवर कर लेंगे। सो दैट्स वॉज हैपनिंग। ठीक हो गया, कोई मसला है, कोई टेंशन है, ML में आ जाएं, अगर स्टक अप वगैरह आए तो वहाँ पे फिर आपको हेल्प आउट कर दिया जाएगा। अभी लुंडे के एनालिस्ट सारे गायब हुए हैं, उनको खुद नहीं समझ आ रहा है, कोई कह रहा है कि हम वापस 48-47 पे यहाँ पे जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि बस अब यहाँ से हम निकल जाएंगे 90K पे, 100K पे, बट यू नो द डील क्या सिचुएशन है। सिंपल एक लाइन वाला फिरका, LTF BOS जब ब्रेक होगा कंफर्मेशन के साथ तो हम
बेरिश होंगे इस जगह पे इस रेंज में वापस आने के लिए, तो सपोर्ट हमारे पास वही 63,400 समथिंग की मिलेगी। बट एज लॉन्ग एज वी आर अबव देन दिस लाइन द LTF BOS जो कि आपकी आ रही है राइट अबाउट 65,907 पे, ये जो चॉप है आपका ये फिलहाल चलता रहेगा। और यू नो देर इज़ अ ह्यूज चांस कि वापस हम रिकवरी की तरफ जाएं और 68-69 को जाके जो है हम उसको दोबारा टैग कर लें और ये मामला इसका यहाँ पे पूरा हो सके, ठीक है। सो ये सिचुएशन FOMC तक होने के लिए ये चलती रहेगी, अभी इसमें तकरीबन 24 आवर्स और हैं, तो ज़बरदस्ती लॉन्ग करने में और उन चीज़ों में अभी अपने आप को इंड्यूस ना करें फोमो में। और ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसको कोरिलेट नहीं कर रहा डॉलर के साथ, बट मैं कोरिलेट कर रहा हूँ मार्केट की पॉजिटिव साइड के साथ। अगर मेजर न्यूज़ से पहले प्री ब्लीड आ रहा है तो ये कि न्यूज़ के बाद वो रिकवरी वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं उधर पूरी दिख जाती है। सो दैट्स वॉज हैपनिंग, आई विल बी अपडेटिंग यू सून टुमारो कि क्या उसकी सिचुएशन बनती है। सो टिल देन डोंट लेट द मार्केट सरप्राइज यू, चिल मारें। और दी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करें और लाइक और सब्सक्राइब करें, एंड देन देखते हैं कि आगे क्या मामला चलता है। सो या अल्लाह हाफिज़।